दोस्तों 18 सितंबर 2016 की तारीख भूलने वाली नहीं है, क्योंकि यही वो दिन था जब लश्करे तैयबा के आतंकवादी LOC क्रॉस करके उरी में घुस आए थे। लेकिन 6th बिहार बटालियन के 19 जवानों की शहादत को इस बार भारतीय सेना ने व्यर्थ नहीं जाने दिया और ठीक 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उनका बदला भी लिया। ये कहानी आप विक्की कौशल की फिल्म में भी देख चुके हैं, लेकिन फिल्में उतना ही कहती हैं जितने से उनकी फिल्मों की कमाई हो जाए। इस सर्जिकल स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी फिल्म से भी ज्यादा मजेदार है। इसमें मोदी सरकार के मंत्रियों से लेकर सेना के कुछ उच्च अधिकारियों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो कैसे की गई सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी, किसने ये प्लान सजेस्ट किया और किसने किया इसे अप्रूव, जानेंगे हम आज इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उरी पर हमले के बाद उधमपुर में तैनात नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा इस हमले के बाद पीड़ा और गुस्से से भरे हुए थे। वो चाहते थे कि अब कोई एक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह जानते थे कि प्रधानमंत्री का दिमाग किस तरह काम करता है। इसी वजह से उन्हें एक साल पहले जून 2015 का वो हमला याद आ रहा था, जब म्यांमार में ऑपरेट कर रहे आतंकी गुटों ने मणिपुर के जंगलों में 18 भारतीय जवानों की हत्या कर दी थी। और इसके बाद आर्मी ने म्यांमार की सीमा में घुसकर ऐसे 60 से ज्यादा आतंकवादियों को मारकर अपना प्रतिशोध लिया था। उन्हें ये भी याद आ रहा था कि कैसे इस घटना ने खबरों में सुर्खियां बटोर ली थी और राजनेताओं का भी उन्हें भरपूर सपोर्ट देखने को मिला था। इस म्यांमार ऑपरेशन की सक्सेस के बाद उस वक्त सभी के मन में ये बात चल रही थी कि क्या हम कभी LOC पार करते हुए ऐसा कर सकते हैं। उस वक्त के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नॉर्थ कमांड में अपनी एक यात्रा के दौरान उनसे कहा था कि हो सकता है भविष्य में कभी पाकिस्तान के साथ भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने दो कमांडिंग ऑफिसर्स जिनके नाम नहीं बताए जा सकते, उन्हें LOC के पास ऐसे टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए जिम्मेदारी दी। लेकिन 2015 में कैसे पता था कि ये तैयारी आगे किन परिस्थितियों में काम आने वाली है? दोनों कमांडिंग ऑफिसर्स और उनकी पलटनों ने बॉर्डर पर टारगेट्स आइडेंटिफाई करने और इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करने का काम बखूबी किया। इसके बाद जनरल दलबीर को लगा कि अगर भविष्य में ऐसा कभी होता है कि उन्हें LOC पार करनी पड़े तो उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। नितिन गोखले अपनी किताब सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे में लिखते हैं, जनरल दलबीर ने उन्हें बताया कि उस वक्त तक भारत जो क्रॉस बॉर्डर रेड्स करता था वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ छोटी मोटी रिटेलिएशन होती थी जिससे हालात ज्यादा ना बिगड़े। लेकिन म्यांमार ऑपरेशन के बाद फौज ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली थी, इसलिए पैरा फोर्सेस की दो बटालियंस ने 2015 की सर्दियों में 2 महीने तक इन रेड्स की ट्रेनिंग की। इस ट्रेनिंग में इन जवानों को टारगेट्स और सर्वे करना, सर्विलेंस इक्विपमेंट माउंट करना और दुश्मन के इलाके में घुसने और बाहर आने की ट्रेनिंग दी। ये थी 2015 की बात। अब चलते हैं 2016 में, जब उरी पर हमला हो चुका है, जनता में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और इसके तुरंत बाद कई मीटिंग्स बैठती हैं, जिसमें इन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए कई चीजें डिस्कस की जाती हैं। एक सजेशन आता है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए। कोई दूसरा सजेस्ट करता है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। कोई युद्ध की बात करता है और कोई कुछ। लेकिन 23 सितंबर तक प्रधानमंत्री अपना मन बना चुके थे। वो NSA अजीत डोभाल और मेजर जनरल के साथ PM ऑफिस से आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां पर रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, DGMO और कुछ सीनियर आर्मी के अधिकारी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने ब्रीफिंग को सुना और देखा कि किस किस तरह के ऑप्शंस उनके पास हैं। PM ने एयर स्ट्राइक करने के बारे में भी कुछ देर सोचा, लेकिन बाद में वो जवानों को बॉर्डर पर उतारने के लिए मान गए और ये डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान को जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में ही दिया जाएगा। पॉलिटिकल कॉल मिलने के बाद सेना ने तेजी से इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। उधमपुर में स्पेशल फोर्सेस की 15 और 16 कोर की टीम्स को बुलाया गया
ये वही टीम थी जिन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और आर निर्भोरकर को भी अपनी चिनार और व्हाइट नाइट कोर को तैयार करने के लिए कहा गया। अब एक फाइनल काम बचा था, वो था टीम्स बनाने का। टीम्स बनाने के बाद नॉर्दर्न कमांड द्वारा जमा की गई जानकारी को देखा गया। नॉर्दर्न कमांड के पास हिजबुल मुजाहिदीन की कई कैंप्स की लोकेशन थी और वो वहां से आने जाने का रूट भी फिगर आउट कर चुके थे। साथ ही इन सैनिकों को कैंप्स पर रेड करने के बारे में और वापस लौटने की भी सारी जानकारियां दी जाने लगी। इसके बाद उन्हें ये भी कहा गया कि किस बात का ध्यान रखा जाए कि ये आतंकवादी अपने कैंप से भागकर कहीं और ना जा पाए। आर्मी का मत था कि इस हमले की गूंज पीओके के मुजफ्फराबाद तक जानी चाहिए। इन तैयारियों के खत्म होते ही वो रात भी आ गई जब इस मिशन को अंजाम दिया जाना था। सभी की धड़कनें तेज थी लेकिन देश में सन्नाटा था। आधी रात को सभी लोग सो रहे थे। मीडिया अब तक उरी को भूल चुका था। शायद देश में कुछ लोग भी इसके बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। लेकिन इसी घटना को याद करते हुए ये पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान बॉर्डर पार कर गए और उस जमीन पर पहुंच गए जो भारत के नक्शे पर तो है लेकिन वहां जाना भारतीयों के लिए मुमकिन नहीं था। बॉर्डर पार कर इन सिपाहियों ने अपनी महीनों की ट्रेनिंग का जोहर वहां दिखाया और काम खत्म होने के बाद जब ये वापस लौट आए तो अगले दिन देश को इस ऑपरेशन की जानकारी दी गई और कुछ ही वक्त में पूरी दुनिया में ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई। नितिन गोखले अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने जब एक सीनियर ऑफिसर से पूछा कि उस वक्त उन्हें कितने आतंकवादियों को ढेर किया था तो उन्होंने बताया कि ये जिस तरह का मिशन था उस वजह से उनके पास इतना समय नहीं था कि वो इन आतंकवादियों की लाशों को गिनते। उन्हें जल्द ही ये ऑपरेशन खत्म कर वापस लौटना था। इस ऑफिसर ने लेकिन आगे ये भी कहा कि शवों को देखकर उन्हें लग रहा था कि उन्होंने करीब 60 से 70 आतंकवादियों को ढेर कर दिया होगा। अगली सुबह मीडिया में जो जानकारियां आई उसमें भी यही बताया गया कि भारतीय सेना ने 70 से ज्यादा आतंकवादियों को बॉर्डर पार करके मार गिराया है। इस ऑपरेशन में हमारी सेना LOC के पार करीब 2 से 3 किलोमीटर तक अंदर गई थी। पहले मीडिया में ये दावा किया गया कि हमारे जवान हेलीकॉप्टर्स में वहां गए थे लेकिन बाद में बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर एंट्री भारतीय जवानों ने जमीन के रास्ते ही ली। सबसे पहले उरी और बाकी सेक्टर्स में भारतीय जवानों ने बॉर्डर पर फिटिंग शुरू कर दी ताकि पाकिस्तान का ध्यान उस तरफ बढ़ जाए और जैसे ही पाकिस्तानियों का ध्यान उनकी तरफ गया स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने पूंछ डिस्ट्रिक्ट के नौगम सेक्टर से सरहद पार कदम रखा और रात के करीब 2:45 बजे वो अपने टारगेट के पास पहुंच गए थे। पाकिस्तान ने बाद में दुनिया के सामने मुंह छुपाने के लिए ये क्लेम किया कि इसमें 8 भारतीय जवानों की भी जान गई थी और एक को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे सभी सिपाही सुरक्षित वापस लौट आए थे। हाँ, लेकिन एक 37 राष्ट्रीय राइफल के जवान ने गलती से किसी और इलाके में भी बॉर्डर क्रॉस कर लिया था और इसी को गिरफ्तार कर पाकिस्तान दुनिया में अपनी थोड़ी इज्जत बचा रहे थे। इस एक सर्जिकल स्ट्राइक ने भारतीय सेना के हाथ पूरी तरह खोल दिए। इसीलिए तो जब दोबारा पाकिस्तान ने पुलवामा में हमला करके कई CRPF के जवानों को शहीद कर दिया तब भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लिया जो दर्शाता है कि अगर सरकार आजादी दे तो हमारी सेना कल पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा दे। आपको क्या लगता है कि हमें घटनाओं का इंतजार किए बगैर पहले से ही इनपुट के आधार पर इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स कर देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।